अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी जो है ना वो जा रहा हूँ उधर फतेहपुर, बाबी आसिया और मैं जा रहे हैं वहाँ ना, एक दर्जन कह लें ठीक है, वहाँ एक आती हैं वो कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती हैं, तो उनसे सिलाई करवाने, जो पहले हमने दर्जी से करवाए हैं वो उसने कपड़े जो है ना वो हमारे ख़राब किए हैं इस वजह से, तो वहाँ से जाना है। जी हाँ जी, डिस्क का मसला बनिया हुआ वा, साड़ी शेरनी माँ वा, तो फिर काम बहुत कर दिया तो फिर डिस्क का मसला बन जाता। अच्छा मैं चलिया वा कुछ लिया ले जाना, कुछ लिया ले जाना की सब्जी, मैं वासन को ले जे तू तू फिक्र है कि ना मैं नहीं लियानी, हाँ हरी मिर्चा टमाटर इदा शह लैनी मंगा लूंगी ना सब्जी, ठीक हो गया। तो होर कपड़े दिखा के ट्रोजर भी इदा दे सिलाई करने आ, तो आ जी निकली जी सीती गई है ना जी खराब किए हैं उनके, वो ना इन्ना क लंबा रखे, अच्छा हाँ ट्रोजर थोड़ा जहा लंबा हो सोहना लगता पाया, तो जरा हो गिटिया तो चो नहीं चंगा लगता, अच्छा हाँ ठीक हो गया। ये सुथनी जी नाल लंबा रखे उनके, अच्छा हाँ चलो भाभी ने ता ही कह रहा मैं क्या उठे को हाँ रह जी के ना तो तुसी करवा लियो हाँ, तो हूँ ते ये तो चल जरा खज्जल कर दिता ना गाह नाप मंगवा के ना तेरे आपे का, वो सूट रख के तेरा बुके दे घर ही रख लो जी खराब नहीं भेज देंगे भेज देनी है, तो करने फिर ना नाप मंगा के तो फिर ओदे नाप दे सिलाया करने है, हाँ चलो ठीक हो गया। नाले में दरबार पक्की ला दू चौ कितने चलिए मैं टिडिए मुझे नठा जाओ बंद करो जाके मेरा पंप बंद करके मैं उत्थे तैनू चुक लूंगा, नठ जा ताना पट के तो गेट ला दे किधर, ओए आपा हजूर तुसी नहीं जाना करो तुसी नहीं जाना चलो वापस मैं नहीं लग जाना, पहले पारी कर फिर पारी कर फिर पारी कर दे फिर मैं लग जाऊंगा पारी कर दे हूं तो कर दांगे ना, चलो बैठो। यहाँ से निकल आए हैं और इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, यहाँ जो है ना अपने काम कुम करने लगी थी और हम लोग भी इधर आ गया, अचानक प्रोग्राम बना हमारा और ओ देखो उन्हें दी भतीजी भतीजी लग दी आ, हाँ जी ओ देखो जी कितने चढ़ के जाके बैठी है, अच्छा जी असि आ गए हूँ इधरों बंद आन करो ना हवा वास्ते, नीचे वाला नीचे वाला घुमाओ रे उड़न उड़न मेरे वालों, हाँ हूँ तो करो उपरला, तो हूँ असं जरा वाला घर जा रहे हैं कि आ इन्नी खुश है ना भी मैं चाचू पास जा रही हूँ, चाचू की लाडली जो हुई चाचू इन्ने लाड़ प्यार करता कि चाचू का पता वा ठंडी हवा वा ओ दंपू इन नहीं छड़ता ओनू नहीं छड़ती मैं इतने की करा कुड़िया तुसी मेरी गड्डी खराब कर देनी मोइस नाल आया, हाँ जी चल कोई नहीं बात, हाँ जी मैं क्या तुसी कपड़े सिलाई करवा लो ना फिर मैं थानू भाभी जी ने मैं क्या मैं थानू ले जाऊंगा, दो दिन च भाभी कहें कपड़े सिलाई हो जाएंगे तो मैं क्या चलो तुसी करवा लो तो फिर मैं थानू लैन आ जाऊंगा, हाँ जी तो अल्लाह तो खैर सलाह जी, हूँ शाम हो गई है 3 बजे असी मैं इतों निकलिया से मामू उन्होंने घरों 3:30 हो गए होने तो काजियाबाद असी हूँ पहुँच गए अल्लाह खैर कर, हाँ देखो जी 3 बजे 3:30 बजे असं जरा वा ना काजियाबाद हाँ इतने, तो मैं स्लो जाता हूँ गड्डी लैके अचक मैं बड़ा ठंडे तबीयत का ड्राइवर हाँ, शाम हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं, अबू जी भी बाजार आए हुए थे, अबू जी का भी साथ लिया और भाई अब्बास अभी बाइक पे पीछे आ रहे हैं, हम लोग अभी जो है ना वो जा रहे हैं टापो टाप क्योंकि जानवरों को जाके चारा डाल रहे हैं, शाम हो गई है इस टाइम वरना कब के खाना भी वो अपना चारा वगैरह खा चुके होते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अम्मी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, तुसी दोबारा उठ के बह गए, मेरा पहले इरादा सीगा बाजार होटल तो ले जाइए, मैं फिर अबू जी पसंद नहीं करते लो कि मैंने पता सी ना नहीं होटल तो लैन देनी कहते वह खा होंगी, मैं इरादा सी नहीं तो सैलन ले जाइए, वो असल चमी जी थोड़ा जहाँ ना मिर्च घट पाती है असी मिर्च तेज खाने, हाँ जी हाँ जी सारे ठीक ठाक से, अम्मी जी बाजी भी ठीक सी मामू होनी भी सारे ठीक ठाक सी अपने अपने काम च बिजी सारे, हाँ जी एवं अम्मी जी आ जो महीना वा ना हूँ फुल जोर दा एवं लगना वा,
ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੌ ਗਿਆ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲੈਣ ਚਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਸਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जी घर आके इन्नी खुश आंदी आ के मेनू कहंदी टाफी दे दे टाफी दे देती है की लेनी है बोल लेनी है आलो प्यार कर दिया बिमार होंगी मां चक्कर जाए चाचू जानवर दे ना अपनी बेटी ने जी बच्चे की लेना बेटे ने है खेलना बार हाए चाचू सद के जावे चाचू तो लैके आया वो तेरिया ले लिया मोई दी बाई दियाँ तेरिया वो बकरियां आ कुत्ता है की लेना हाँ जी की लेना वा अपना फूल की थी फूल है कितने जाना वा है फूल लेना वा अच्छा जी आ हुण तंग कीती रखेगी फिर इस करके सारिया हरकत असं मान लें करके जोड़ा ना ये फिर कहती है कि मैंने चुको तो मैं अपने इस घर रहना वा ता नहीं कित जाकर रही हूँ अच्छा जी गुगो जी ही चाची की लाल ली जो हुई की लेना वा है की मंगी जाती है वो तेरा फूल ये सारी देख रही हैं ठीक है क्या जनाब साहब आज किधर गए हैं हमारे जिसने अभी तक दूध नहीं निकाला मैं जैसे ही इंटर होता हूँ यहाँ से कबूतर शबूतर हर चीज़ भाग जाती है ये देखें अभी मैं देखने आया था मैं ना सुबह इधर पानी लगा के गया था तो अल्लाह का शुक्र है कि पानी से जो है ना वो मैं देखने आया था ये दो क्यारियाँ जो है ना ये वाली जो बनाई हुई हैं ये फुल हो चुकी थी और ये वाली रहती थी तो मैंने ये देखना था इसको पानी लगा कि नहीं इसको भी पानी लग चुका था और ये भी भर चुकी थी अभी एक दो दिनों में ना ये फूल खिलेगा फूल निकलेंगे यहाँ से इसके जिसके फिर ज़बरदस्त हो जाएगा जिसके भी मुझे लगता है फूल यहाँ से अभी निकलेंगे हाँ जी इसके भी फूल अभी निकलेंगे या पत्ते निकलेंगे अभी ये मुझे नहीं पता मैं इस पे हैरान हूँ ये क्यों नहीं फूल निकालते इसने इतनी शाखें इसने निकाली हैं लेकिन इसको फूल एक भी नहीं लगा यार इस पे मैं हैरान हूँ और ये बेचारा छोटा सा है इसको इतने फूल लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त है अभी ये वाला भी ठीक हो गया ये वाला भी अभी फूल निकालने लगा यहाँ से देखें है ही शहजादा ना इसको तो फूल ख़त्म ही नहीं होते शाम टाइम का व्यू और साथ में घर ओए होए 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 ये वाले जो ज़मीनें हैं ना अभी आपको सारी इनकी हल वगैरह चला के ना इनकी तैयारी आपको नज़र आती होगी कि तैयारी हो चुकी है रकबे की ना तैयारी से मुराद के इसके अच्छी तरीके से हल वगैरह चला के जो है ना रकबा तैयार हो चुका है अब बस गंदम का इधर बीज डालना है और साथ में खाद डालनी है और फिर ऊपर से फिर हल चला के ना गंदम की जो है ना वो गंदम लगा दी जाएगी या गंदम जिन्हों असी पंजाबी कहते हैं गंदम बीज दी जाएगी आगे सामने वो देखें वो हमारा चारा है जो हमने लगाया था कुछ दिन पहले उसकी काश्त की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी उसकी जो है ना वो ग्रोथ है भाई जवेद और भाई अब्बास ने भी उस साइड पर घर की उस साइड पर लगाया था तो उनसे ज़्यादा हमारे वाले जो है ना चारा इसकी ग्रोथ अच्छी है पहले हर साल हम आजकल ना ये जो खाले होते थे ना ये साफ़ करते थे इस दफ़ा आपके भाई की जो है ना वो हुकूमत है तो फिर जाहिर सी बात है भाई इस दफ़ा आपको खाले जो है ना ये सारे साफ़ नज़र आएंगे क्योंकि मैंने वो स्प्रे जो होती है ना जो घास सुखाने वाली होती है खालों के लिए होती है वो मैंने मार मार के ना इधर स्प्रे करके मैंने ऐसे खाले गंजे किए हुए हैं ना जैसे अभी आपके भाई का सैर भी गंजा होने वाला है ऐसे ये देखें जी ये थोड़े दिन पहले हमने लगाई और माशाल्लाह इस लूसन की ग्रोथ देखें और ये साथ में सरसों जिसकी हम लोग साग बनाते हैं वो भी देखें 8 दिन के बाद ये वाला साग भी तैयार हो जाएगा हमारा उस साइड पे सरसों हमने लगाई हुई है जो सिर्फ और सिर्फ सरसों हैं तो साग बनाने वाली
तो वो इससे भी बड़ी है माशाल्लाह। ये इसकी क्योंकि रकबे की वहाई बहुत ज़बरदस्त हमने की, DAP खाद भी डाली और साथ में ये रकबा जो है ना फ्री पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से जो है ना इसकी ग्रोथ ज़्यादा ज़बरदस्त है और अच्छी है। रूटर की डबल हमने हल, रूटर दो दफ़ा हमने चलाया इस साइड पे, और उसके बाद जो है ना हल भी 3-4 दफ़ा चलाए, तवे भी चलाए, इस वजह से ना इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है। कुछ ही दिनों में जो है ना अभी दूसरा पानी लगा और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी ज़बरदस्त हो गई है। ये वाला बाजरा है और ये भी माशाल्लाह जो है ना ये भी तैयार हो गया। आगे जो है ना इस साइड पे ये भी हमने बढ़ा देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सब्जियाँ, ठीक है। इस साइड पे हमने सब्जियाँ लगाई थी और मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, आपके भाई के हाथ की सब्ज़ी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है। ये चीज़ चेक करें, ये मूलियाँ जो है ना मैंने लगाई थी, मेरे व्लॉग भी देख लें जिस दिन हमने सब्ज़ियाँ लगाई थी, ये मूलियाँ मैंने लगाई थी। अब ये आप ना कहना, आप कहेंगे कि आप अपनी तरफ खुद करते हैं, तो ये देख लें ये सारी जो है ना, देख ये देखें इस साइड पे ये सारी मूलियाँ हैं, मूलियाँ हैं वो सामने तक, आगे भी ये नज़र आ रही होंगी, ये वाली भी, ये सारी आपके भाई ने जो है ना वो मूलियाँ लगाई थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ है। दूसरे भाइयों के ने भी लगाई थी, वो मैंने इतनी नहीं देखी, वो उनकी ग्रोथ अच्छी है या नहीं अच्छी, लेकिन ये चीज़ देख लें जो मैंने मूलियाँ लगाई, ये टोटल ही जितने भी मैंने चुटकियाँ लगाई थी ना ये सारी की सारी चली हैं, एक भी मिस नहीं हुई, ठीक है। और बीज अच्छा था, बाकी खुदा की कुदरत है, ठीक है। सारा कुछ वो करने वाली है, हम लोग तो सिर्फ नीयत से, नीयत वाल मुराद। माशाल्लाह जी ये देखें, ये है जी, किधर हो गया, मैं पानी लेना आया सी जी, मैं थोनू हूँ दिखा रही हूँ अपना जड़ा वा ना साड़ी सब्जी, लहसुन की कलियाँ इतने लगाइया असी, साड़ी उर्दू पंजाबी इंग्लिश मिक्स होंगी, लत्तां बाहां तोड़ ली दियां सी, ते तुसी गुजारा करो मेरे भैन भरावो, माइंड ना करो। आ हैगा फार्मी, आ हैगा देसी, आ देसी आ फार्मी, आ फार्मी आ देसी, आई समझ के नहीं मेरे भैन भरावो, मैं दोबारा दसा, फस्ट क्यारी जिहड़ी बड़ी वाली आ वह फार्मी आ, ए वाली क्यारी जिहड़ी छोटी आ ये देसी आ, ये अम्मी भाभीआं ने लगाई आ, ठीक है, दोनों भाभीआं अम्मी जी ने, और आ वाली जिहड़े है प्याज ये अम्मी जी ने लगाए आ, अगले साल प्याजा का बीज लगाया वा अगले साल वास्ते, इत्थे पालक है शायद, हाँ जी ये पालक आ, ये भी उग पई है माशाल्लाह, आ प्याजा के बीज, ये भी उग पे प्याज, पूरे साबत प्याज लाई देते, फिर 6 महीने बाद जो वा प्याज लग के तो उत्ते बीज बन जाता वा। ये मेथी आ, ठीक है जी, इसकी भी ग्रोथ देख लो। आ धनिया वा, धनिया मैं इस साइड पर लगाया सी कि इधरों आके तो बंदा इधरों तोड़ लैंदा वा, जबरदस्त धनिया भी हो गया वा, लेकिन धनिया की ग्रोथ है जी ना स्लो हो रही है, क्योंकि शायद बीज का मसला या पता नहीं की है, जहाँ यदि ग्रोथ स्लो होंगी है, बाकी नस्बत आ साड़िया सब्जियां वा, जबरदस्त हो गया सारा निज़ाम। यह है जी सामने नलका, यहाँ से पानी लेके जाएंगे, ये साडा रिया जी नलका, हम अभी जोड़ दें, इसनों साफ कर लें पहले अच्छी तरीके से, जदों भी पानी लेके जाओ ना पहले अच्छी तरीके गेड़ के ठंडा साफ सुथरा पानी काट के फिर लेके जाओ। इतों पानी भरना वा ओ सामने, उधर लेके जाना वा थोड़े भाई ने पानी, ठीक है जी। ओए होए कबूतर ऊपर जा रहे जी, चेक करो कबूतर फेर रहे, हाँ जी इतने जाना वा, ओ जिथे सूरज नज़र आ रहा उस जगह ते। भाई जी वे लोगों के जो लहसुन है ना ये बहुत इसकी ग्रोथ कम है, सब्जियां जो है ना बाकी सब्जियां ठीक है, पालक जो है ना वो ठीक है, धनिया धनिया बेस्ट है भाई लोगों का, हमसे भी धनिया बेस्ट है, तो सब्जियां बाकी सारी सब्जियां हमारी ठीक हैं, नहीं सॉरी ये धनिया नहीं है ये शलजम है, शलजम ठीक है, पालक ठीक है, धनिया बाकी सारी चीज़ें तकरीबन ठीक ही हैं, ये चीज़ नहीं इतनी सही निकली ये वाली, अभी कम है लहसुन जी। हमसे पहले इन्होंने कास्ट किया था,
लेकिन ये वाला पता नहीं क्या मसला बना है, ये ना सड़ बहुत ज्यादा गया है। अबू जी बता रहे थे कि ये जो लूसन है ना ये बहुत ज्यादा सड़ गया है। देखिए ना ऊपर से जैसे सूंडी नहीं हमला करती, इस तरह का कोई मसला बना है इसको, तो इसकी ग्रोथ जो है ना वो रुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इसके बाद हमने वो किया था 2-3 दिन, बल्कि ज़्यादा दिन ही बाद में हमने काश्त किया, और हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो लूसन है। शाम हो चुकी है, सनसेट का जो है ना वो आप व्यू चेक करें, ज़बरदस्त। मैं जूम इन जूम आउट करके दिखाता रहता हूँ अक्सर क्लिप। इस तरफ कपास, इधर से हम लोग आए ना तो देसी कपास की जो है ना वो खुशबू आ रही होती है, तो वो खिल गई है दोबारा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खिड़ गई, असी इन्हें बोल दें खिड़ गई। मैं हमने पानी लेके आया तो मैं फौरन बाहर आ गया, भाई अब्बास की सब्ज़ी भी देखने आया मैं कि उन्होंने जी लगाई सी वो किस तरह दी है। तो इस साइड तो भाई अब्बास उन्होंने बाजरा वा माशाला, इस दफ़ा बाजरा मेरी पसंद का बाजरा वा, मैं और भाई अब्बास लेके आए छोटे कद वाला, छोटी हाइट वाला ना, इसकी हाइट कम है तो ये ज़बरदस्त जो है ना वो होता है, फिर ये काटने में आसानी होती है इसको। ये लहसुन जो है ना भाई अब्बास का भी अभी कम ही उगा है, इसकी भी ग्रोथ जो है ना अभी कम है। और इसके अलावा मूलियाँ इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये भाई अब्बास ने लगाई हैं, भाई अब्बास ने बहुत ज़्यादा करके लगाई हैं ये, इनकी ना फिर ये मोटी नहीं होती सही, कम लगाते हैं फिर मोटी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस तरह ना ये कितने बीज अभी देख लें, ये कितने बीज लगाए हुए हैं ये देखें नीचे से, अब ये इन्होंने क्या फिर मोटी होना है, बीज थोड़े थोड़े लगाए। उसके बाद ये है जी धनिया के पालक, ये है जी पालक, ये रही पालक माशाल्लाह ज़बरदस्त पालक ज़बरदस्त है। वो रही चुटकियाँ सामने धनिया की, हाँ जी ये धनिया ही है मुझे लगता, हाँ जी ये चुटकियाँ भी लगाई हुई हैं और वैसे भी छट्टा भी दिया हुआ है, भाभी कह रही थी चुटकियाँ लगानी है तो चुटकियाँ भी लगाई हुई हैं। ये ग्रोथ अच्छी है इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेथी है शायद, ये शलजम है, ये चीज़ चेक करें जी, अभी 15 दिन इस बाजरे को लग जाएंगे पकने में, नहीं 15 दिन ही सॉरी, ये मैं चीज़ देख के बोली 15 दिन, अभी नहीं। ये वाला आगे वाली जो है ना ये तकरीबन तैयार है बाजरा, ये वाला ठीक है, बाजरा पक के बिल्कुल तैयार है, 8 से 1 हफ्ते के बाद इसको ये सारा ख़त्म हो जाएगा बाजरा, आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ। अभी आपका भाई जो है ना 2 दिन के बाद बिल्कुल फ्री है, अभी 2 दिन जो है ना मैं फ्री हूँ, ये सारी कटाई करनी है, इस तरफ से भी सारी कटाई करनी है, और मेरे घर के फ्रंट पे जो है ना वो दरख्त हैं उनकी भी कटाई करके बिल्कुल साफ़ करने हैं दरख्त, क्योंकि एक तो ये सर्दियों में फिर ज़्यादा जब पड़ता है ना वो सर्दी पड़ती है कोहरा पड़ता है तो ये इनके पत्ते गिर जाते हैं फिर फसल को नुकसान करते हैं, तो इस वजह से ये सारे ख़त्म करने हैं।